नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है अभी कंट्रोल वाल्व के ऊपर चल रहा है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम कंट्रोल वाल्व के ऊपर ही बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल वाल्व के कुछ तथ्य को जाना था, जैसे कि कंट्रोल वाल्व के बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी ली थी हमने, और इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि कंट्रोल वाल्व दो पार्ट्स में आते हैं, दोनों पार्ट्स के नाम जाने थे। और फर्स्ट पार्ट्स जैसे कि एक्यूटेरियर बॉडी, तो एक्यूटेरियर का जो पार्ट्स है एक्यूटर पार्ट्स के बारे में हमने फुल जानकारी ले ली थी। अभी हमारा जो बचा हुआ पार्ट्स है दोस्तों, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में फुल डिटेल जानकारी लेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ वाल्व बॉडी। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल वाल्व के बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर मन में कोई क्वेरीज है, डाउट है, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपकी किसी भी प्रकार के सवाल का जानकारी देने का हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ कंट्रोल वाल्व बॉडी में सबसे पहला पार्ट्स जो है वो है चेक नट। वाल्व चेक नट जो है बॉडी को, एक्यूटेरियट को एक दूसरे से जोड़े रखता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो है एक्यूटेरियट को बॉडी से जोड़ के एक टाइट चेक नट के जरिए टाइट किया जाता है, जो फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों प्लज स्टेम। प्लज स्टीम जो है एक प्लज स्टीम को स्पेंडल और एक्टेरियट को एक कपलिंग के सहायता से अटैच किया जाता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल मालूम चल जाएगी जब आप लाइव मेंटेनेंस देखोगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा प्लज केज। दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी ग्लोब वाल्व में स्टीम के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए प्लज केज का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टीम के फ्लो को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम नेक्स्ट। किसी भी कंट्रोल वाल्व का जो प्लज होता है वो मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो है सीट से कनेक्ट में रहता है, इसके लिए इसको इम्पोर्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका भी डिटेल हम अलग से बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो जल्दी जल्दी में हम बात नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो दैट मैं जब लाइव वीडियो लाऊंगा आपके लिए तो उसमें हम डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। सो दैट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग रिंग। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लो तो कंट्रोल वाल्व चलेगा इसके बिना लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि स्टीम लॉसेस बहुत ज़्यादा होगी और हमारा जो कंट्रोल वाल्व सिस्टम है वो एक अनबैलेंस होके रन करेगा। तो इसके लिए कंट्रोल वाल्व के ऊपर बैलेंसिंग रिंग का इतना ज़रूरी हो जाता है। ये दोस्तों दो टाइप का आता है, पहला है ग्रेफाइट रिंग और दूसरा है टेफ्लॉन रिंग। इसको यूँ समझ लीजिए कि आपका किसी भी मोटर में ग्लांड फिट करते हैं, ग्लांड डालते हैं, सेम उसी टाइप से इसको डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करके जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए लाते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो लाइव मेंटेनेंस होने वाला है कंट्रोल वाल्व का, सो दैट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।